नमस्कार, मी संतोष निवेणकर, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर ऑइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र। आज सक्षम मतलब संरक्षण क्षमता महोत्सव 22 का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के लिए हुआ। वैसे पूरे देश भर में हर एक स्टेट कैपिटल में ये प्रोग्राम हुआ और दिल्ली में भी पूरा देश के लिए हुआ। और सरकार यहाँ यही चाहते हैं कि जन जागृति करो और सभी लोगों को ये पता चले, ताकि सभी लोगों को पता चले कि पेट्रोल डीजल ये जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। उससे हर एक इंसान का फ़ायदा हो जाएगा और चलते पूरे देश का भी फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में हमारे लिए केवल 20% पेट्रोल डीजल है। हम लोगों को वी आर डिपेंड ऑन ऑलमोस्ट 80% क्रूड ऑयल हम लोग अदर कंट्री से लाते, और उसके लिए पूरे देश का इकोनॉमी में बहुत खर्चा आता है। और यहाँ ये है कि अगर उसके ऊपर भी हम लोग अल्टरनेट एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, अगर उनको इस्तेमाल करें तो उतना पेट्रोल डीजल का खपत हो जाएगा। इसी चलते भारत देश भर अभी 10% इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है, और उसके कारण 10% इम्पोर्ट कम हो गया है। और ऐसे कई प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन ये प्रयास क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसीलिए वो जन जागृति की कार्यक्रम हम लोग सभी जगह करते हैं। अभी आज 11 अप्रैल को उसका उद्घाटन हुआ है, और 30 अप्रैल तक हम लोग महाराष्ट्र में कम से कम 800 कार्य प्रोग्राम करने वाले हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमल टंडन है, मैं गेल से हूँ और सब मेरे कलीग्स मेरे साथ हैं। सक्षम 2022 के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही सफल प्रोग्राम है ये हमारे लिए। ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन बहुत बहुत ज़रूरी है इस टाइम देश में, अपने फॉसिल फ्यूल्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए ये एक अवेयरनेस ड्राइव है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, और हम चाहते हैं कि इससे भी ये ड्राइव में सभी शामिल हों, एक बहुत बड़ी अवेयरनेस हो, और हम जितना एनर्जी अपना इन फ्यूल्स के द्वारा बचा सकें और एनर्जी लेके आएँ जो क्लीनर फ्यूल्स हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, यही एक ऑब्जेक्टिव है इसका। आप हमारे द्वारा लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कंजर्वेशन को लेकर? हम यही मैसेज आपके द्वारा सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि जितना भी फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करें उतना अच्छा है। सोलर एनर्जी को, विंड पावर को जितना ज़्यादा बढ़ा सकें उतना अच्छा है। ऑयल, पेट्रोल, जल, बिजली, इन सब का जितना बचा सकें हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, और इनकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सीमा देसाई फ्रॉम विद्यानिधि हाई स्कूल, अंधेरी वेस्ट। ये सक्षम 2022 था, जिसमें हरित और स्वच्छ ऊर्जा अपनाए और आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाए, वो प्रोग्राम था। एनर्जी कंजर्वेशन का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जिसमें बच्चों ने स्किट करके अवेयर किया एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, सब लोग को उत्तेजित किया, और बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारे जिसने एनर्जी कंजर्वेशन किया था उसको प्राइज भी मिला। इट वाज वेरी नाइस प्रोग्राम। कंजर्वेशन के बारे में तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, वही तो, के हम एनर्जी को कंजर्व करके भारत को और हमारे देश को स्वच्छ बनाए, हरित बनाए। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत मनोरे है। आप आज के इवेंट सक्षम 2022 के बारे में बताइए। सक्षम 2022 संरक्षण क्षमता महोत्सव इसका फुल फॉर्म है। ये लास्ट ईयर भी हुआ था और ये हर साल होता है। ये 15 दिन का या पूरे महीने का भी, इस साल ये पूरे महीने का महोत्सव है। यहाँ पे हर एक मतलब इसका ये मेन मोटो है कि ईंधन सेव कैसे करना है, एनर्जी कैसे कन्वर्ट सेव करनी है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, इसको अपनाना है, और अपना जो आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसे मनाना है। अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, हम लोग ने यहाँ पे स्किट किया था। स्किट के थ्रू हम लोग ने मैसेज दिया कि एनर्जी को कैसे सेव किया जाता है, एनर्जी कौन से टाइप की होते हैं, जैसे कि सिलेंडर गैस हो गया, कोई कोई लेडीज़ होती है, मतलब भाजी यहाँ पे उनका सब्जी काटना चालू होता है, यहाँ पे गैस चालू रहता है, तो क्या करना चाहिए कि पहले पूरा सब्जी का तैयारी करके लो, बाद में आप गैस के पास जाइए, गैस चालू कीजिए। सेकेंड थिंग हो गया कि पेट्रोल कैसे सेव करना है, तो सिग्नल पर जैसे कि सिग्नल चालू होता है, डेढ़ मिनट का सिग्नल होता है, फिर भी अपना इंजन जो रहता है चालू रहता है, तो पेट्रोल जाता रहता है,
या फिर मेंटेनेंस जो होता है गाड़ी का उसको बराबर देखना, ज़्यादा रेस नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग टाइप का मतलब कैसे हम लोग एनर्जी सेव कर सकते हैं, कैसे करना है, यही गाइडेंस यहाँ पे दिया हुआ था। स्कूल के बच्चे आए हुए थे, अलग अलग बड़े बड़े कॉर्पोरेशन से यहाँ पे लोग आए हुए थे, जो हर एक ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इन्होंने ये जो कार्यक्रम किया था तो कहना यही है कि एनर्जी जो है, मतलब जो फ्यूल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है, तो इसे हम लोग को संभालना है, इसे हम लोग को धीरे धीरे यूज़ करना है। हो सके तो हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे या कार पुलिंग यूज़ करेंगे या फिर साइकिल यूज़ करेंगे, अगर डिस्टेंस कम है तो एनर्जी हम लोग सेव कर सकते हैं।